Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time we are discussing the various agencies of education this time it is the turn of the role of community or society as an agency of education. Okay, community or society oblique करके इसलिए लिख दिया है. Community का मतलब ऐसे समुदाय है और society समाज है, दोनों exactly एक नहीं है. लेकिन community आए तो और society आए तो दोनों का role more or less same है अगर वो agency of education की बात करती है तो. इसलिए community oblique society जो पूछा जाए उस हिसाब से लिख लीजिएगा. तो community क्या है? The term community has been derived from two distinct words, com and munis. Com means togetherness, यानी कि एक साथ आना. And newness means to serve, सेवा करने के लिए. मतलब हम एक साथ इसलिए आए हैं कि हम एक दूसरे को सर्व कर सकें. Thus, the term community means to serve together. एक साथ एक दूसरे के काम आना, यही community का मतलब है. A group of people having commonality in their ways of living, principles and ideas is called a community. देखिए, आप जो एक समुदाय के लोग होते हैं वो किसी भी धर्म जाति के हों, लेकिन उनके जीने के तरीकों में, उनके सिद्धांतों में कुछ ना कुछ समानता जरूर होती है जो एक समुदाय, क्योंकि वो सामुदायिक गुण जो उनको मिलता है. According to Ginsberg, community is to be understood as a group of social beings living a common life, including all the infinite variety and complexity of relations which result from common life. यानी कि community को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ social beings का एक group है, मतलब मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है, उसका समूह है जो कि एक सामान्य common मतलब मिलती जुलती लाइफ जीते हैं, और जितनी भी वैरायटी हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसके बावजूद वो एक कॉमन लाइफ जीते हैं, यही कम्युनिटी का मतलब है. कम्युनिटी इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन बिकॉज कम्युनिटी प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन. देखिए, जो समुदाय आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्कूल स्थापित किए गए हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी देती है कम्युनिटी. जैसे एडल्ट एजुकेशन सेंटर है मान लीजिए वहाँ पे. इसके अलावा इनफॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंस भी देती है कम्युनिटी. तो कम्युनिटी एक दूसरे को सर्व करने के लिए बनाई गई, तो सर्व करने में शिक्षा भी आती है ना. तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तीनों तरीके से कम्युनिटी एजेंसी के रूप में, एजुकेशन की एजेंसी के रूप में काम करती है. स्कूल रन बाय ए कम्युनिटी इज देयरफॉर कॉल्ड अ मिनिएचर फॉर्म सोसाइटी. देखिए, फिर ये शब्द आ रहा है, ये कोटेशन आ रही है कि स्कूल इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी. The RTE Act 2009 has recommended to form a school management committee SMC for every school with an aim to bring community closer to school and establish good school community relationships. आप जितने भी टॉपिक पढ़ते होंगे especially primary level पे, उसमें community participation की बात की जाती है कि सामुदायिक भागीदारी कितनी है. समुदाय से कट के हमको नई विद्यालय अपना चलाना है. क्यों? क्योंकि जब हम सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन पढ़ते हैं वहां भी हम जानते हैं कि विद्यालय क्या है, ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम का मतलब कि वातावरण से उसका आदान प्रदान जारी है. तो जो शिक्षा का कानूनी अधिकार 2009 में आया, उसने भी कहा कि आप हर विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना दीजिए. उसका उद्देश्य ही यही होगा कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जिस समुदाय में वो स्कूल है, विद्यालय है, वो उससे समीपता बनी रहे और बढ़िया स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप्स बने रहें. तो कम्युनिटी का भी मेन फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात हो तो सोशलाइजेशन. तो इसका मतलब कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब विद्यार्थी को, इंडिविजुअल को सोशलाइज कर रही हैं, समाज में रहने के बराबर बना, समाज में रहने के लायक बना रही हैं, ताकि जो विद्यार्थी का निर्माण हो वो समाजोपयोगी हो. सामाजिककरण वो सीखे, कैसे समाज में उठना बैठना है, क्या नियम वहाँ चलते हैं उसको फॉलो करे. Community plays an active role by interacting with the school and improving its quality. जो समुदाय है आपका वो एक सक्रिय भूमिका निभाता है, विद्यालय से उसका इंटरेक्शन चलता रहता है और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद करता है. It establishes hospitals, parks and playgrounds for the physical development of the children. इसके अलावा जो समुदाय है आपका, वहाँ उसने अस्पताल बना रखे हैं, पार्क है, बच्चों के खेलने के मैदान हैं, ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके, वो हेल्दी भी रहें. कम्युनिटी ऑल्सो टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश जू, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा. इसके अलावा हर समुदाय में कहीं जू है, कहीं लाइब्रेरी है, ये सब क्यों बनी हुई है? क्योंकि आपको ये सब तरीके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल तरीके से आपको शिक्षित होते रहें, आप इंगेज रहें, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो एंड ऑल. Every community has its leaders and performers and wants its future generations to emulate them. हर समुदाय के पास अपने नेता होते हैं, अपने प्रदर्शक होते हैं, और वो चाहते हैं कि आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं वो उनको फॉलो करें. Community is a relatively larger social unit as compared to the family.
परिवार से ये बड़ा सामाजिक इकाई है, समुदाय है ना। तो फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी आर द कंटिन्यूएशन एंड फर्दरेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। देखिए हमने विद्यालय में भी यही जाना कि परिवार के जो कार्यक्रम थे, परिवार की जो भूमिकाएं थी, उन्हीं को एक्सटेंड कर रहा है विद्यालय। उसी तरह से समुदाय भी वही कर रहा है, परिवार की जो कंटिन्यूएशन, सततता बनी रहे, आगे बढ़ता रहे, किसका, परिवार का काम। इट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज द अबव मेंशन्ड फंक्शंस मोर फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली। ये भी जिम्मेदारी होती है समुदाय की कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए तो परिवार ने तो नहीं बनाया ना, समुदाय या सोसाइटी ने बनाया है आपके, तो वो जो फैमिली का काम है वो अच्छे से चलता रहे और सिस्टमेटिकली और फॉर्मली। बच्चे माँ बाप से नहीं डरते पर टीचर से डरते हैं, डरने इन द सेंस कि उनकी बात मानने की कोशिश करते हैं भाई के कारण या आप जो भी कहें। There are several celebrations and community functions like marriage, festivals, religious functions, etc. through which the child imbibes the social culture. बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, सामुदायिक functions होते हैं, जैसे विवाह हो गया आपके, धार्मिक कार्यक्रम हो गए, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, उन सब में जो child है, जो विद्यार्थी है, वो सामाजिक संस्कृति को सीखता है, उसको अवशोषित करता है। Then the child is molded in skills, concepts, habits, motives and values by the forces in the community that bear effectively upon his development. तो जो विद्यार्थी है, जो इंडिविजुअल है, जो बालक है, वो मोल्ड हो जाता है अपने आप, उसमें वो कौशल आ जाते हैं, वो संप्रत्यय, वो आदतें, वो मोटिव्स, वो मूल्य जो कम्युनिटी ने रखे हैं अपने पास, और इसी तरह से उसका विकास होता रहता है। फिर अगर एजुकेशनल फंक्शंस देखें तो इन एडिशन टू द इनफॉर्मल वेज इन विच द कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस द यंग वंस टू रियलाइज द ब्रॉडर गोल्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड एक्लचरेशन, इट ऑल्सो ओपन्स एंड मैनेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट इंटरैक्ट्स विद द स्कूल एंड पार्टिसिपेट्स इन असेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्कूल। कह रहा है कि इसके अलावा जो इनफॉर्मल तरीके से तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करती ही है बच्चों को, यंग वंस को, यूथ को, लेकिन वो जो सोशलाइजेशन और एक्लचरेशन, आप मान के चलिए फैमिली ने भी का भी यही काम बताया गया, सोशलाइजेशन एक्लचरेशन, सामाजिकरण आप सिखाएंगे उसको, संस्कृति बताएंगे, संस्कृति के अनुकूल बनाएंगे, यही काम फिर जब परिवार से निकला तो विद्यालय ने अपना लिया। विद्यालय और समाज, विद्यालय क्या है, समाज का ही लघु रूप है, तो समाज में जो चल रहा है वही विद्यालय में चल रहा है, तो मोटा मोटा काम यही है, सोशलाइजेशन एक्लचरेशन। ओके, इसके अलावा डेलर्स कमीशन ने भी कहा कि द कंट्रीज वेयर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल आर दोज वेयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड लोकल कम्युनिटीज एंड टू शो एंड शो डिटरमाइंड एंड सस्टेन्ड कमिटमेंट्स बैक्ड अप बाय द कंटिन्यूड डायलॉग इन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इट इज ऑब्वियस दैट द लोकल कम्युनिटी प्लेज अ पैरामाउंट रोल इन एनी सक्सेसफुल रिफॉर्म स्ट्रेटेजी। डेलर्स कमीशन ने 1996 में कहा कि वो देश जहाँ पे शैक्षिक सुधार सफल रहे हैं वो वही देश हैं जहाँ पे अभिभावकों ने, शिक्षकों ने और जो लोकल उनका कम्युनिटी है, समुदाय के लोगों ने डिटरमाइंड कमिटमेंट दिखाया है कि हमको बैक, मतलब कि हमको सुधारना है, हमको डायलॉग करते रहना है, हमको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देनी है। इट इज़ और लोकल कम्युनिटी इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको शिक्षा में शैक्षिक सुधार चाहिए तो। आई थिंक इट इज अच्छी गॉड। फिर कम्युनिटी एंड स्कूल रिलेशनशिप तीन है। कम्युनिटी एंड स्कूल रिलेशनशिप मतलब कि समुदाय और विद्यालय में क्या संबंध है, तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इनकंपासेस होम, स्कूल, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी एटसेट्रा। School as a social institution and as an agent of socialization needs to have a good relationship with the community. यानी कि अगर विद्यालय और समुदाय में बढ़िया अंतर संबंध नहीं है तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए, तो कम्युनिटी को विद्यालय की विभिन्न एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होगा, करिकुलम प्रोसेस को कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा, तभी आप बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकल नीड कम्युनिटी जानती है। इसीलिए NCF 2005 ने भी कहा है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन द चाइल्ड्स वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग शुड बी अलाउड टू, कि हमको कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अलाउ करना चाहिए। क्यों? टू ट्रांसफर ओरल हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल नॉलेज टू चिल्ड्रन, जो पारंपरिक ज्ञान है उसका ट्रांसफर हो सके, इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऐड लोकल प्रैक्टिकल एंड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, है ना, सपोर्ट चिल्ड्रन इन देयर एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, हम बालकों को सहायता दें कि वो ज्ञान के निर्माण और सूचना के निर्माण और एक्सप्लोर करने में वो एक्सप्लोर कर सकें, और हम क्या करें, सपोर्ट चिल्ड्रन इन देयर प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बच्चे कैसे सीखेंगे, जब उनको दिखेगा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट है, यही सारी बातें तो हैं, और पार्टिसिपेट इन एड्रेसिंग द कंस्ट्रेंट्स फेस बाय चिल्ड्रन, विद्यार्थी बच्चों को कोई दिक्कत है तो उसमें आप मदद कीजिए, पार्टिसिपेट इन सेटिंग क्राइटेरिया फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चा निकल के आएगा तो समुदाय में ही ना, तो समुदाय ही तो बताएगा कि आपको क्या जरूरत है, कौन सी ट्रेनिंग आपको दी जाए, कैसे आपकी हेल्प की जाए, है ना,
और इनेबल द विलेज टू बिकम ए लर्निंग एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रन रियलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ विलेज एज ए स्कूल. विद्यालय मतलब ग्राम को ही विद्यालय मान लिया जाए तो पूरा ऐसा लर्निंग एनवायरमेंट कम्युनिटी प्रोवाइड कर सकती है. इसके अलावा 2013 में इन्होंने कहा बेकवाई was of the view that school-community relationship is a two-way symbiotic arrangement through which the school and community cooperate with each other for realization of the goals of the community and vice versa. मतलब विद्यालय और समुदाय एक दूसरे पर निर्भर हैं. विद्यालय समुदाय की मदद करे, समुदाय विद्यालय की मदद करे, तो दोनों के गोल्स आपस में फुलफिल हो सकते हैं. और अंततोगत्वा दोनों का गोल तो एक ही है ना, कि हमको बालक को काबिल बनाना है, लायक बनाना है, समाजोपयोगी बनाना है, समाज के गुण नियम मूल्य सिखाने हैं, है ना. Therefore, इसीलिए कहा जा रहा है कि विद्यालय एक लघु समाज है, इसलिए उसको जरूर समुदाय के संग अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए. और 2004 में ये भी कहा गया कि स्कूल इज अ सोशल सिस्टम मींस दैट द स्कूल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. विद्यालय भी समाज का ही अंग है. ही एडेड दैट सिंस स्कूल बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी इज द प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग मीनिंगफुल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कम्युनिटी एंड नेशन एट लार्ज. अगर विद्यालय और समुदाय में अच्छे संबंध होंगे तो हम जो शैक्षिक उद्देश्य हैं हमारे समुदाय के लिए और राष्ट्र के लिए, उसकी पूर्ति अच्छे से हो सकेगी, अच्छे से हम उसको प्राप्त कर सकेंगे. तो ये कम्युनिटी की भूमिका हुई शिक्षा देने में. कम्युनिटी हर तरह से देती है, फॉर्मली देती है, नॉन फॉर्मली देती है, इनफॉर्मली देती है. क्यों? क्योंकि कम्युनिटी ने ही स्कूल बनाया, पार्क, लाइब्रेरी बनाई, जू बनाया, हॉस्पिटल बनाया, सब बनाया आपके लिए. और विद्यालय, और वो विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो विद्यालय और समाज के लक्ष्य एक ही हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे. ओके, सो कम्युनिटी या सोसाइटी पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक टू, एंड इन एट लास्ट ओनली वन टॉपिक एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन हैज बीन लेफ्ट, एंड दैट इज स्टेट. आई विल डिस्कस इट लेटर. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.